औरत अपनी आईब्रो को छूकर बोल दे ये शब्द, जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। जी हाँ, सत्य है। थंबनेल पे डाउट मत करिए, हमारे शास्त्र शारीरिक लक्षणों की विद्या से भरे पड़े हैं। उसी क्रम में आईब्रो के बारे में आज जानकारी देने वाले हैं। आईब्रो को छूकर कौन सा शब्द बोलना है जिससे आपकी किस्मत तुरंत बदल जाए, आपके घर में धनालय खड़ा हो जाए, ऐसी विद्या, ऐसा गूढ़ ज्ञान आज के वीडियो में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूअर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आप यूं ही प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहें निरंतर, इसी शुभाशीष के साथ आज का वीडियो प्रारंभ करती हूं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। मित्रों, हमारे शरीर का नाता नवग्रहों से जुड़ा हुआ है। शारीरिक लक्षणों को नवग्रहों के आधार पर जानने का प्रयास किया जा सकता है अगर आप थोड़ी भी ज्योतिष की नॉलेज रखते हैं। लेकिन अगर आपको ज्योतिष की रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है, तब भी आप कौन सा ग्रह आपका स्ट्रॉन्ग है इसके बारे में जान सकते हैं। बुध अगर बलि होता है तो मनुष्य हष्ट पुष्ट शरीर वाला होता है और दोनों हाथों को पसार कर मध्यमा उंगली की नोक से दूसरी मध्यमा उंगली के पोर तक जितनी चौड़ाई हो उतनी लंबाई या ऊंचाई मनुष्य की होती है। गाल भरे हुए होते हैं और शेर या बाघ के समान मुख चौड़ा होता है, दबंग होता है ऐसा व्यक्ति जिसका बुध प्रबल होता है। गुरु बलि होने के ये लक्षण हैं। मनुष्य के गाल भरे हुए होते हैं, ऊंची नाक होती है और कांति युक्त चेहरा होता है और सिर गोल होता है। ये हम लक्षण संक्षेप में ही आपको बता रहे हैं। शुक्र बलि होने पर नेत्र बहुत सुंदर होते हैं। टेक्सचर बॉडी का कैसा भी हो, रंग कैसा भी हो, लेकिन नेत्र इतने अद्भुत होते हैं कि हर किसी का मन मोह लेते हैं। शुक्र स्ट्रांग होने पर, बलि होने पर आंखें चमकीली होती हैं, दांत एक सार होते हैं, चमकीले होते हैं और होठ पतले होते हैं। वहीं शनि बलवान हो तो व्यक्ति के नाखून छोटे और गोलाई लिए हुए होते हैं। ये हमने ग्रहों के लक्षण आपको संक्षेप में ही बताने का प्रयास किया है, क्योंकि विषय का विस्तार हो सकता है, विषय का भटकाव भी हो सकता है। तो आज के वीडियो आईब्रो पर केंद्रित है और आईब्रो पर ही केंद्रित रखेंगे। किसी की भी आईब्रो को देखकर आप उसके बारे में सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। अगर उठी हुई भौं हो तो व्यक्ति अल्पायु होता है। बड़ी और ऊंची भौं वाले अत्यंत सुखी होते हैं। आकार में बड़ी छोटी भौं वाले दरिद्र होते हैं। बालचंद्र के सदृश झुकी हुई भौं व्यक्ति को धनवान बनाती है। लंबी और परस्पर दूरी वाली भौं वाले व्यक्ति धनी होते हैं। मध्य भाग में कटी हुई भौं होने पर निर्धन होते हैं और झुकी हुई भौं होने पर स्त्री में रत्न रहने वाले होते हैं। क्योंकि आज की जानकारी आईब्रो पर ही केंद्रित है, आईब्रो को हिंदी में भौं कहा जाता है, तो आप अपने हिसाब से अनुमान लगा लीजिए आपकी भौं किस तरह की है। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। अपनी भौहों को छूकर आपको एक शब्द बोलना है, या अनेक शब्द आप भी बोल सकते हैं, अनेक बार रिपीट भी कर सकते हैं, जिससे आपको धनवान बनने में मदद मिलेगी। लाखों मांगोगे, करोड़ों आपके पास आएंगे। भाग्य के पट खुलते देर नहीं लगती है और आपकी आईब्रो इसमें अहम भूमिका अदा करती है। शारीरिक लक्षण के हिसाब से भौं के आधार पर आप मान सकते हैं कि आपकी किस्मत कब चमकने वाली है। तो आपको ये शब्द बोलने हैं जो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ओम रति प्रियाय नमः, ओम रति प्रियाय नमः, ओम रति प्रियाय नमः। ये आपको चैंटिंग करनी है, इसके द्वारा आपको बहुत लाभ मिल सकता है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में या पाश्चात्य साहित्य में आईब्रो की बहुत महत्व है। अगर आईब्रो को छूकर आप ये चैंटिंग करते हैं तो आपकी किस्मत के दरवाजे तुरंत खुल जाते हैं।
आईब्रो को छूकर आपको काउंट काउंट COUNT काउंट चेंट करना है। दिन में जितनी बार आप करेंगे आपको लाभ मिलेगा। ये इतनी अधिक लाभ वाली बात है, हम आपको बताना यही चाहते थे। इसके साथ ही आप इन अंगों को भी छूकर काउंट शब्द का उच्चारण करते हैं तो आपकी किस्मत चमकने लगती है। और 5 से 7 बार आप इन पॉइंट को छूइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। ये आपके शरीर के ही अंग हैं जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पहला हमने आपको बताया आईब्रो, दूसरी है अंडर आई, तीसरा स्थान है अंडर नोज़, चौथा स्थान है चिन, पांचवा स्थान है कॉलर बोन, अगला स्थान है अंडर आर्म और अगला स्थान है टॉप ऑफ द हेड। इन सभी को आपको छूकर 5 से 7 बार उच्चारण करना है काउंट का। आपकी ज़िंदगी में इतना धन आएगा कि आप संभाल ही नहीं पाओगे। ये प्रक्रिया आपको डेली करनी है, एटलीस्ट 11 दिन तक करिए, आपको लाभ मिलेगा और आपके घर में धनालय खड़ा हो जाएगा। आपकी तिजोरी और जेब भरे रहेंगे, पर्स कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। पर्स में भरपूर मात्रा में आपको धन रखने का सौभाग्य मिलेगा। आप 500 खर्च करोगे तो 1000 रुपये आपके पर्स में किसी बहाने से आते रहेंगे। मतलब जितना आप खर्च करते हो धन उतना दुगना होकर आपके जीवन में आएगा। ऐसी किस्मत आपकी हो जाएगी, ऐसा आपका भाग्योदय हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। हमसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। हमें 25 साल का अच्छा खासा अनुभव है, ये अनुभव हमारे जो है आपके काम आ सकता है और आपको लाभान्वित कर सकता है।